मैं एक दरवाजा खड़काया उसने मैंने दरवाजा खोला पीछे हो गया फिर मैं बंद करने लगी धक्का मारा इसने मेरे को अंदर आया सारा कमरे देखे मेरे कमरे को कहते मैं जा रहा हूँ आंटी बस जाके पीछे चक्ू निकाला मारने बैठ के मेरे को तो मम्मी ने बात ठीक मारी तो गली में किसी ने सुनाई नहीं दिया किसी को तो उसने मम्मी को पास भी थोड़ा कह रहा पानी पिला दो तो मम्मी कह रही तो कौन है कैसे भी क्या है ना तो उसने चक्कू मार दिया उसी टाइम तो मम्मी हालत बिल्कुल डाउन होगी तो मम्मी के पेट में चक्कू सारी कमर में दोनों बाजू वगैरह सारा डैमेज कर रखा है मम्मी को नमस्कार आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम घटना पानीपत की गांधी कॉलोनी की है जहां घर में एक महिला अकेली थी कि तभी एक युवक पहले दरवाजा खटखटाता है और जब महिला दरवाजा खोलती है तो युवक उसे धक्का मारकर घर के अंदर घुस जाता है और हर एक कमरे की तलाशी लेकर वहां से जाते हुए महिला के ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर देता है जिससे महिला लहूलुहान हालत में गिर जाती है और युवक वहां से फरार हो जाता है सुनिए महिला पर युवक ने क्यों हमला किया पानीपुर शहर की गांधी कॉलोनी के घर में घुसकर एक महिला पर जानलेवा हमला किया गया महिला काम कर रही थी जब उस पर युवक ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया खून से लथपथ महिला जब दर्द से चिल्लाई तो स्थानीय लोग वहां पहुंचे लोगों ने महिला को तुरंत नजदीकी अस्पताल अस्पताल पहुंचाया जहां से उसे सिविल रेफर किया गया लोग महिला को लेकर तुरंत सिविल अस्पताल पहुंची हालांकि महिला का उपचार निजी अस्पताल में चल रहा है मॉडल टाउन थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है मैं दरवाजा खड़काया उसने मैंने दरवाजा खोला पीछे हो गया फिर मैं बंद करने लगी धक्का मारा इसने मेरे को अंदर आया सारा कमरे देखे मेरे कमरे को कहते मैं जा रहा हूँ आंटी बस जाके पीछे चक्कू निकाला मारने बैठ गया मेरे को नहीं। नहीं। बस यही यह बात पिछली चीखी में बहुत जो जो शोर मचाया मैंने बस यहाँ से मेरे को चक्कू मारता रहा मारता रहे मेरे पेट भी नहीं लगा था मर जाना था मैंने मैं अकेली थी और कोई भी नहीं था मेरा पोतरा था तीन महीने का था वो बस मॉडल टाउन थाना पुलिस को दी शिकायत में अमरीक सिंह ने बताया कि वो गांधी कॉलोनी पानीपत का रहने वाला है वो उगरा खेड़ी मोड स्थित बालाजी कारपेट फैक्ट्री में काम करता है वो अपने बेटे मोहित को साथ लेकर सूरत में नवंबर 2021 में कारपेट का काम करने के लिए गया था वहां निशा नाम की वर्कर भी काम करती थी निशा की मोहित के साथ बोलचाल शुरू हो गई निशा के पति का नाम तूफान है अमरीक ने बताया कि दिसंबर 2021 में वो पानीपत वापस आ गए थे दो से चार दिन बाद तूफान की पत्नी निशा मोहित के पास उसके घर आ गई इसके अगले दिन निशा का पति तूफान भी उनके घर पहुंच गया बातचीत करने के बाद मोहित ने समझा बुझा कर निशा को उसके पति तूफान के साथ वापस भेज दिया था मैं सर काम पे था जॉब पे था और मेरी मम्मी के साथ जैसे कि मेरा छोटा भाई का लड़का था मैं अपने ससुराल में गया हुआ था अपनी वाइफ से लेने के लिए तो पीछे से पता लगा कि उसने मम्मी से गेट खोला तो बोल रहा था कि ये एक बार गेट खोल लो तो गेट खोल के साइड में हो गया तो मम्मी ने सोचा पता नहीं कौन है कौन नहीं है तो गेट बंद करने लगा तो मम्मी को धक्का मारा तो मम्मी ने बात ठीक मारी तो गली में किसी ने सुनाई नहीं दिया किसी को तो उसने मम्मी को पास भी थोड़ा कह रहा पानी पिला दो तो मम्मी कह रही तो कौन है कैसे भी क्या है ना तो उसने चक्कू मार दिया उसी टाइम तो मम्मी हालत डाउन होगी तो मम्मी के पेट में चक्कू सारी कमर में दोनों बाजू वगैरह सारा डैमेज कर रखा है मम्मी को जख्म बता नहीं सकते बहुत ज़्यादा जख्म है चक्कू कितनी बार अंदा दिया कम से कम भी बीस पच्चीस चक्कू लगे हुए हैं कमर पे भी हैं और बाजू पे भी हैं कल शाम को पाँच बजे की बात है हम सब काम पे थे तो आस पड़ोसी का फ़ोन आया कैसे करके तेरी मम्मी को चक्कू लग गया सामान सामान भी है तो वो फटाफट मैदान हॉस्पिटल में तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे नहीं सिविल में ले जाओ सिविल में वहाँ पे लेके तो वहाँ पे उनके टांके टूंके लगाए इतने में जिसने चक्कू मारा था वो भी वहां पहुंच के अपनी पट्टी कराने के लिए उसके हाथ पे चोट लगी थी तो उन्होंने क्या करा पट्टी कराना तो मम्मी ने पहचान ली कि वो रहा तो चुक को बताया ना हमने रोला डाला कि वो आगे आगे आ गया पकड़ो उसको तो इतने में पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा कोई घटना ऐसी घटती तो जिसके कारण उन्होंने रंजिस रखते हुए हमला किया नहीं नहीं पहले कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा दिन था उसकी मिसिज आई थी यहाँ पे एक बारी तो यहाँ पे काम करती थी ये हमारे साथ आई थी तो उसके बाद उसका आदमी आया था उसको साथ ले गया था पुलिस कस्टडी के साथ हुई थी बातचीत तो वो साथ ले गया था उसके बाद उसकी महिला दोबारा कहीं भाग गई तो वो कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास है तो हमने कहा थी यहाँ की पुलिस भी आई थी पानीपत की मालडन थाने की तो वो सारी इंक्वायरी करके गए थे साहब चेक करके थे कि यहाँ पे नहीं थी पुलिस वालों ने बोला कि यहाँ पे नहीं हम सारे चेक कर लिया क्योंकि तीन चार दिन पुलिस वाले ने यहाँ पे चेक कर मारा आस पड़ोस की पूरी गली से पूछा तो उन उसके बाद कह रहा नहीं भी यहीं पे है तो जगह जगह यहाँ पे खड़ा था मम्मी का पीछा करता था चार पाँच दिन से काफ़ी दिन से पीछा कर रहा है कि भाई यहीं पे है यहीं पे है तो यहाँ पे तो थी नहीं तो इसके लिए कल मौका उठाया उन्हें घर पे आके कह रहा आंटी जी सॉरी मैं जा रहा हूँ अपने घर इतने मैंने चक्कू उठाला तो उन्हें वारदात शुरू कर दी कम यहाँ कमर पे भी सारा लातों पे दोनों हाथ टूट गया, गया। महिला अभी जो मम्मी है कहां पर है आपकी पर मैक्स प्लस मै जी वो हाँ। तो इस संजो से आगे उसमें एडमिट हुए पड़े हैं सिविल में ले गए थे तो वो करे रोज तक एडमिट करेंगे इमरजेंसी केस था तो फिलहाल जो व्यक्ति था उसको पकड़ लिया गया पकड़ लिया गया नाम था तो? का रहने वाला वो सूरत का रहने वाला था रह गुजरात का वारदात के के दौरान आरोपी तूफान भी हाथ पर चाकू लग गया था इसलिए करीब दो घंटे बाद आरोपी अपना इलाज करवाने सिविल अस्पताल पहुंचा वहां इमरजेंसी वार्ड में गया लेकिन वार्ड में पहुंचते ही उसने देखा कि माइनर ओटी में घायल मोनिका का डॉक्टर इलाज कर रहे हैं ये देखकर वो दबे पाओ वहां से वापस मुड़ गया जब वो वार्ड से बाहर निकलने लगा तो मोनिका के परिजनों की नजर उस पर पड़ गई वो उसे देख चिल्लाए तो वार्ड में सब हैरत में पड़ गए जैसे ही परिजनों ने कहा कि यही है मारने वाला ये सुनते ही आरोपी वहां से भागने लगा जिससे पीछे पीछे लोग और पुलिस भी दौड़ पड़ी करीब 150 मीटर दूर जाकर आरोपी को पकड़ लिया गया तलाशी ली गई तो वारदात में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया गया आरोपी को इमरजेंसी वार्ड में उपचार कराकर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है देखिए कल रात को एक पेशेंट हमारे पास आए थे उनका नाम मोनिका है तो जब वो आए तो ऑलरेडी सिविल हॉस्पिटल में वो दिखा चुके थे तो हमने जब उनसे पूछा तो शरीर पे काफ़ी जगह सात आठ जगह पर चाकू के घाव थे तो सिविल वालों में वहाँ पर सिविल हॉस्पिटल डॉक्टर्स ने उनको अटेंड किया उनकी एम बनी पुलिस इन्फॉर्मेशन हुई और जहाँ जहाँ टाँगें लग सकते थे टाँगे लगा दिए थे पेशेंट तब शॉक में था ब्लीडिंग की वजह से मोस्ट लाइकली उसके बाद हमारे डॉक्टर्स ने सीनियर डॉक्टर्स ने डॉक्टर मनोज खुराना है उन्होंने अटेंड किया पूरा फ्लूड वगैरह दे के उसकी जान बचा ली है वो सुबह स्टेबल हैं लेकिन हाँ उंगली एक उनकी नहीं उठ रही है क्योंकि वो ऐसा लगता है कि धारदार कोई भी जो चाकू या कुछ भी रहा होगा उससे वो टेंडन हम उसको बोलते हैं आम भाषा बोले तो रस्सी जैसे उंगली उठती है वो नहीं उठ रही है, है। उनकी सर्जरी जरूरत पड़ेगी अदरवाइज अभी वो स्टेबल है तो उनसे मैं थोड़ा पूछा अभी कैसे हुआ क्या हुआ तो उन्होंने कहा जी कोई रंजिश वाली बात तो नहीं थी पर शायद लूट के इरादे से कुछ लोगों ने हमला किया था और तेज धार वाले ऑब्जेक्ट से उन वार किया गया है फिलहाल महिला का इलाज चल रहा है और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही पुलिस कर रही है अभी के लिए फिलहाल इतना ही ताजा अपडेट के लिए जुड़ रही है ऑफ पानीपत के साथ नमस्कार